પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રવિવારે સાંજે 6 વાગે 61મી વખત મન કી બાત કાર્યક્રમને સંબોધિત કર્યો હતો. તેમણે સૌને પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. મેરે પ્યારે દેશવાસીઓ નમસ્કાર. આજ 26 જનવરી હૈ, ગણતંત્ર પર્વ કી અનેક અનેક શુભકામનાએ. 2020 કા એ પ્રથમ મન કી બાત કા મિલન હૈ. ઇસ વર્ષ કા ભી એ પહેલા કાર્યક્રમ હૈ, इस दशक का भी ये पहला कार्यक्रम है. साथियों, इस बार गणतंत्र दिवस समारोह की वजह से आपसे मन की बात उसके समय में परिवर्तन करना उचित लगा और इसलिए एक अलग समय तय करके आज आपसे मन की बात कर रहा हूँ. साथियों, दिन बदलते हैं, हफ्ते बदल जाते हैं, महीने भी बदलते हैं, साल बदल जाते हैं, लेकिन भारत के लोगों का उत्साह और हम भी कुछ कम नहीं है. हम भी कुछ करके रहेंगे. कैन डू, ये कैन डू का भाव संकल्प बनता हुआ उभर रहा है. देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की भावना हर दिन पहले से अधिक मजबूत होती जाती है. साथियों, मन की बात के मंच पर हम सब एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं नए नए विषयों पर चर्चा करने के लिए और देशवासियों की नई नई उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए, भारत को सेलिब्रेट करने के लिए. मन की बात शेयरिंग, लर्निंग और ग्रोइंग टुगेदर का एक अच्छा और सहज प्लेटफॉर्म बन गया है. हर महीने हजारों की संख्या में लोग अपने सुझाव, अपने प्रयास, अपने अनुभव शेयर करते हैं. उनमें से समाज को प्रेरणा मिले ऐसी कुछ बातों, लोगों के असाधारण प्रयासों पर हमें चर्चा करने का अवसर मिलता है. किसी ने करके दिखाया है तो क्या हम भी कर सकते हैं? क्या उस प्रयोग को पूरे देशभर में दोहराकर एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं? क्या उसको समाज की एक सहज आदत के रूप में विकसित कर उस परिवर्तन को स्थायी कर सकते हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब खोजते खोजते हर महीने मन की बात में कुछ अपील, कुछ आह्वान, कुछ कर दिखाने के संकल्पों का सिलसिला चल पड़ता है. पिछले कई सालों में हमने कई छोटे छोटे संकल्प लिए होंगे, जैसे नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, खादी और लोकल खरीदने की बात हो, स्वच्छता की बात हो, बेटियों का सम्मान और गर्व की चर्चा हो, लेश कैस इकोनॉमी का ये नया पहलू उसको बल देना हो. ऐसे ढेर सारे संकल्पों का जन्म हमारी इन हल्की फुल्की मन की बातों से हुआ है और उसे बल भी आप ही लोगों ने दिया है. मुझे एक बहुत ही प्यारा पत्र मिला है बिहार के श्रीमान शैलेश का. वैसे तो अभी वो बिहार में नहीं रहते हैं. उन्होंने बताया है कि वो दिल्ली में रहकर किसी एनजीओ में काम करते हैं. श्रीमान शैलेश जी लिखते हैं, मोदी जी, आप हर मन की बात में कुछ अपील करते हैं. मैंने उनमें से कई चीजों को किया है. इन सर्दियों में मैंने लोगों के घरों में से कपड़े इकट्ठे कर जरूरतमंदों को बांटे हैं. मैंने मन की बात से लेकर कई चीजों को करना शुरू किया, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ मैं भूल गया और कुछ चीजें छूट गई. मैंने इस नए साल पर एक मन की बात पर चार्टर बनाया है जिसमें इन सभी चीजों को एक लिस्ट बना डाली है. जैसे लोग नए साल पे न्यू ईयर रिजोल्यूशंस बनाते हैं, मोदी जी, मेरे नए साल का सोशल रिजोल्यूशन है. मुझे लगता है कि यह सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ा बदलाव ला सकती है. क्या आप इस चार्टर पर अपने ऑटोग्राफ देकर मुझे वापस भेज सकते हैं? शैलेश जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं. आपके नए साल के रिजोल्यूशन के लिए मन की बात चार्टर ये बहुत ही इनोवेटिव है. मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं लिखकर इसे जरूर आपको वापस भेजूंगा. साथियों, इस मन की बात चार्टर को जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे हैशटैग्स हैं और हम सब ने मिलकर ढेर सारे प्रयास भी किए हैं. कभी हमने संदेश टू सोल्जर्स के साथ अपने जवानों से भावात्मक रूप से
और मजबूती से जुड़ने का अभियान चलाया। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन के साथ खादी की बिक्री को नए मुकाम पर पहुंचाया। बाय लोकल का मंत्र अपनाया। हम फिट तो इंडिया फिट से फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाई। माय क्लीन इंडिया या स्टैचू क्लीनिंग के प्रयासों से स्वच्छता को मास मूवमेंट बनाया। हैशटैग नो ड्रग्स, हैशटैग भारत की लक्ष्मी, हैशटैग सेल्फ फॉर सोसाइटी, हैशटैग स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स, हैशटैग सुरक्षा बंधन, हैशटैग डिजिटल इकोनॉमी, हैशटैग रोड सेफ्टी, ओहो अनगिनत है। शैलेश जी, आपके इस मन की बात के चार्टर को देखकर एहसास हुआ यह लिस्ट वाकई बहुत लंबी है। आइए इस यात्रा को कंटिन्यू करें। इस मन की बात चार्टर में से अपनी रुचि के किसी भी कोच से जुड़े, हैशटैग यूज करके सबके साथ गर्व से अपने कंट्रीब्यूशन को शेयर करें, दोस्तों को, परिवार को और सभी को मोटिवेट करें। जब हर भारतवासी एक कदम चलता है तो हमारा भारतवर्ष 130 करोड़ कदम आगे बढ़ाता है। इसलिए चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो का मंत्र लिए अपने प्रयास करते रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने मन की बात चार्टर के बारे में बात की। स्वच्छता के बाद जन भागीदारी की भावना, पार्टिसिपेटिव स्पिरिट आज एक और क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है और वह है जल संरक्षण। जल संरक्षण के लिए कई व्यापक और इनोवेटिव प्रयास देश के हर कोने में चल रहे हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले मानसून के समय शुरू किया गया जल शक्ति अभियान जन भागीदारी से अत्यधिक सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में तालाबों, पोखरों आदि का निर्माण किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान में समाज के हर तबके के लोगों ने अपना योगदान दिया। अब राजस्थान के जालौर जिले को ही देख लीजिए, यहाँ की दो ऐतिहासिक बावड़ियां कूड़े और गंदे पानी का भंडार बन गई थी। फिर क्या था, भद्राजू और थानवाला पंचायत के सैकड़ों लोगों ने जल शक्ति अभियान के तहत इन्हें पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। बारिश से पहले ही वे लोग इन बावड़ियों में जमे हुए गंदे पानी, कूड़े और कीचड़ को साफ करने में जुट गए। इस अभियान के लिए किसी ने श्रमदान किया तो किसी ने धन का दान, और इसी का परिणाम है कि बावड़िया आज वहां की जीवन रेखा बन गई है। कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की। यहाँ 43 हेक्टर क्षेत्र में फैली सराही झील अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी संकल्प शक्ति से इसमें नई जान डाल दी। इतने बड़े मिशन के रास्ते में इन्होंने किसी भी कमी को आड़े नहीं आने दिया। एक के बाद एक कई गांव आपस में जुड़ते चले गए। इन्होंने झील के चारों ओर 1 मीटर ऊंचा तटबंध बना डाला। अब झील पानी से लबालब है और आसपास का वातावरण पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे से सटे सुनियाकोट गांव से भी जन भागीदारी का एक ऐसा ही उदाहरण सामने आया है। गांव वालों ने जल संकट से निपटने के लिए खुद ही गांव तक पानी लाने का संकल्प लिया। फिर क्या था, लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठे किए, योजना बनी, श्रमदान हुआ और करीब 1 किलोमीटर दूर से गांव तक पाइप बिछाई गई, पंपिंग स्टेशन लगाया गया और फिर देखते ही देखते 2 दशक पुरानी समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। वहीं तमिलनाडु से बोरवेल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जरिया बनाने का बहुत ही इनोवेटिव आइडिया सामने आया है। देश भर में जल संरक्षण से जुड़ी ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो न्यू इंडिया के संकल्पों को बल दे रही है। आज हमारे जल शक्ति चैंपियंस की कहानियां सुनने को पूरा देश उत्सुक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जल संचय और जल संरक्षण पर किए गए अपने स्वयं के या अपने आसपास हो रहे प्रयासों की कहानियां फोटो एवं वीडियो हैशटैग जल शक्ति फॉर इंडिया उस पर जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों और खास करके मेरे युवा साथियों, आज मन की बात के माध्यम से मैं असम की सरकार और असम के लोगों को
खेलो इंडिया की शानदार मेजबानी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 22 जनवरी को ही गुवाहाटी में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का समापन हुआ है। इसमें विभिन्न राज्यों के लगभग 6,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि खेलों के इस महोत्सव के अंदर 80 रिकॉर्ड टूटे और मुझे गर्व है कि जिनमें से 56 रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारी बेटियों ने किया है। ये सिद्धि बेटियों के नाम हुई है। मैं सभी विजेताओं के साथ इसमें हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं। साथ ही खेलो इंडिया गेम्स के सफल आयोजन के लिए इससे जुड़े सभी लोगों, प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। यह हम सबके लिए बहुत ही सुखद है कि साल दर साल खेलो इंडिया गेम्स में खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ रही है। यह बताता है कि स्कूली स्तर पर बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति झुकाव कितना बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में जब खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई थी तब इसमें 3500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन महज 3 वर्षों में खिलाड़ियों की संख्या 6,000 से अधिक हो गई है, यानी करीब करीब दोगुनी। इतना ही नहीं, सिर्फ 3 वर्षों में खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से 3200 प्रतिभाशाली बच्चे उभर कर सामने आए हैं। इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो अभाव और गरीबी के बीच पले बढ़े हैं। खेलो इंडिया गेम्स में शामिल होने वाले बच्चों और उनके माता पिता के धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानियां ऐसी हैं जो हर हिंदुस्तानी को प्रेरणा देगी। अब गुवाहाटी की पूर्णिमा मंडल को ही ले लीजिए। वो खुद गुवाहाटी नगर निगम में एक सफाई कर्मचारी है, लेकिन उनकी बेटी मालविका ने जहां फुटबॉल में दम दिखाया, वहीं उनके एक बेटे सुजीत ने खो खो में, तो दूसरे बेटे प्रदीप ने हॉकी में असम का प्रतिनिधित्व किया। कुछ ऐसी ही गर्व से भर देने वाली कहानी तमिलनाडु के योगानंथन की है। वे खुद तो तमिलनाडु में बीड़ी बनाने का कार्य करते हैं, लेकिन उनकी बेटी पूर्णाश्री ने वेटलिफ्टिंग का गोल्ड मेडल हासिल कर हर किसी का दिल जीत लिया। जब मैं डेविड बेकहम का नाम लूंगा तो आप कहेंगे मशहूर इंटरनेशनल फुटबॉलर, लेकिन अब अपने पास भी एक डेविड बेकहम है और उसने गुवाहाटी के यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, वो भी साइकिलिंग स्पर्धा के 200 मीटर के स्प्रिंट इवेंट में। और मेरे लिए तो दोहरी खुशी ये है कि कुछ समय मैं जब अंडमान निकोबार गया था, कार निकोबार द्वीप के रहने वाले डेविड के सिर से बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया था। चाचा उन्हें फुटबॉलर बनाना चाहते थे तो मशहूर फुटबॉलर के नाम पर उनका नाम रख दिया, लेकिन इनका मन तो साइकिलिंग में रमा हुआ था। खेलो इंडिया स्कीम के तहत इनका चयन भी हो गया और आज देखिए इन्होंने साइकिलिंग में एक नया कीर्तिमान रच डाला। भिवानी के प्रशांत सिंह कन्हैया ने पोल वॉल्ट इवेंट में खुद अपना ही नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 19 साल के प्रशांत एक किसान परिवार से हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रशांत मिट्टी में पोल वॉल्ट की प्रैक्टिस करते थे। यह जानने के बाद खेल विभाग ने उनके कोच को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एकेडमी चलाने की मदद की और आज प्रशांत वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुंबई की करीना शांक्ता की कहानी में किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानने का एक जज्बा हर किसी को प्रेरित करता है। करीना ने स्विमिंग में 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा की अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 10 स्टार्डर्ड में पढ़ने वाली करीना के लिए एक समय ऐसे भी आया जब नी इंजरी के चलते हुए ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी थी, लेकिन करीना और उनकी मां ने हिम्मत नहीं आ रही और आज परिणाम हम सबके सामने हैं। मैं सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसके साथ ही मैं सभी देशवासियों की तरफ से इन सबके पेरेंट्स को भी नमन करता हूं जिन्होंने गरीबी को बच्चों के भविष्य का रोड़ा नहीं बनने दिया। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के माध्यम से जहां खिलाड़ियों को अपना पैशन दिखाने का मौका मिलता है, वहीं वे दूसरे राज्यों की संस्कृति से भी रूबरू होते हैं। इसलिए हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर ही हर वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी
आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथियों, अगले महीने 22 फरवरी से 1 मार्च तक ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर में पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित हो रहे हैं। इसमें भागीदारी के लिए 3000 से ज्यादा खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एग्जाम का सीजन आ चुका है, तो जाहिर है सभी विद्यार्थी अपनी अपनी तैयारियों को आखिरी शेप देने में जुटे होंगे। देश के करोड़ों विद्यार्थी साथियों के साथ परीक्षा पे चर्चा के अनुभव के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है और हर चुनौती के लिए तैयार है। साथियों, एक और परीक्षाएं और दूसरी ओर सर्दी का मौसम, इस दोनों के बीच मेरा आग्रह है कि खुद को फिट जरूर रखें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करें, थोड़ा खेले कूदे, खेलकूद फिट रहने का मूल मंत्र है। वैसे मैं इन दिनों देखता हूं कि फिट इंडिया को लेकर कई सारे इवेंट्स होते हैं। 18 जनवरी को युवाओं ने देश भर में साइक्लोथॉन का आयोजन किया, जिसमें शामिल लाखों देशवासियों ने फिटनेस का संदेश दिया। हमारा न्यू इंडिया पूरी तरह से फिट रहे, इसके लिए हर स्तर पर जो प्रयास देखने को मिल रहे हैं वे जोश और उत्साह से भर देने वाले हैं। पिछले साल नवंबर में शुरू हुई फिट इंडिया स्कूल की मुहिम भी अब रंग ला रही है। मुझे बताया गया है कि अब तक 65,000 से ज्यादा स्कूलों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। देश के बाकी सभी स्कूलों से भी मेरा आग्रह है कि वे फिजिकल एक्टिविटी और खेलों को पढ़ाई के साथ जोड़कर फिट स्कूल जरूर बने। इसके साथ ही मैं सभी देशवासियों से यह अपील करता हूं कि वे अपनी दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी को अधिक से अधिक बढ़ावा दें। रोज अपने आप को याद दिलाएं, हम फिट तो इंडिया फिट। मेरे प्यारे देशवासियों, 2 सप्ताह पहले भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहारों की धूम थी। जब पंजाब में लोहड़ी के जोश और उत्साह की गर्माहट फैला रही थी, तमिलनाडु की बहनें और भाई पोंगल का त्यौहार मना रहे थे, तिरुवल्लुवर की जयंती सेलिब्रेट कर रहे थे, असम में बिहू की मनोहारी छटा देखने को मिल रही थी, गुजरात में हर तरफ उत्तरायण की धूम और पतंगों से भरा आसमान था, ऐसे समय में दिल्ली एक ऐतिहासिक घटना की गवाह बन रही थी। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही लगभग 25 वर्ष पुरानी ब्रू रियांग रेफ्यूजी क्राइसिस, एक दर्दनाक चैप्टर का अंत हुआ, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अपने बिजी रूटीन और फेस्टिव सीजन के चलते आप शायद इस ऐतिहासिक समझौते के बारे में विस्तार से नहीं जान पाए हो, इसलिए मुझे लगा कि इस बारे में मन की बात में आपसे अवश्य चर्चा करूं। यह समस्या 90 के दशक की है। 1997 में जातीय तनाव के कारण ब्रू रियांग जनजाति के लोगों को मिजोरम से निकल करके त्रिपुरा में शरण लेनी पड़ी थी। इन शरणार्थियों को नॉर्थ त्रिपुरा के कंचनपुर स्थित अस्थाई कैंपों में रखा गया। यह बहुत पीड़ादायक है कि ब्रू रियांग समुदाय के लोगों ने शरणार्थी के रूप में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया। उनके लिए कैंपों में जीवन काटने का मतलब था हर बुनियादी सुविधा से वंचित होना। 23 साल तक न घर, न जमीन, न परिवार के लिए बीमारियों के लिए इलाज का प्रबंध और न बच्चों की शिक्षा की चिंता या उनके लिए सुविधा। जरा सोचिए, 23 साल तक कैंपों में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना उनके लिए कितना दुष्कर रहा होगा। जीवन के हर पल हर दिन का एक अनिश्चित भविष्य के साथ बढ़ना कितना कष्टप्रद रहा होगा। सरकारें आई और चली गई, लेकिन इनकी पीड़ा का हल नहीं निकल पाया। लेकिन इतने कष्ट के बावजूद भारतीय संविधान और संस्कृति के प्रति उनका विश्वास अडिग बना रहा, और इसी विश्वास का नतीजा है कि उनके जीवन में आज एक नया सवेरा आया है। समझौते के तहत अब उनके लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने का रास्ता खुल गया है। आखिरकार 2020 का नया दशक ब्रू रियांग समुदाय के जीवन में एक नई आशा और उम्मीद की किरण लेकर आया। करीब 34,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा। इतना ही नहीं,
उनके पुनर्वास और सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार लगभग 600 करोड़ रुपए की मदद भी करेगी। प्रत्येक विस्थापित परिवार को प्लॉट दिया जाएगा, घर बनाने में उनकी मदद की जाएगी। इसके साथ ही उनके राशन का प्रबंध भी किया जाएगा। वे अब केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह समझौता कई वजहों से बहुत खास है। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को दर्शाता है। समझौते के लिए मिजोरम और त्रिपुरा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। यह समझौता दोनों राज्यों की जनता की सहमति और शुभकामनाओं से ही संभव हुआ है। इसके लिए मैं दोनों राज्यों की जनता का, वहां के मुख्यमंत्रियों का विशेष रूप से आभार जताना चाहता हूं। यह समझौता भारतीय संस्कृति में समाहित करुणा भाव और सहृदयता को भी प्रकट करता है। सभी को अपना मानकर चलना और एकजुटता के साथ रहना इस पवित्र भूमि के संस्कारों में रचा बसा है। एक बार फिर इन राज्यों के निवासियों और ब्रू रियांग समुदाय के लोगों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इतने बड़े खेलो इंडिया गेम्स का सफल आयोजन करने वाले असम में एक और बड़ा काम हुआ है। आपने भी न्यूज में देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले असम में 8 अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप के 644 लोगों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। जो पहले हिंसा के रास्ते पर चले गए थे, उन्होंने अपना विश्वास शांति में जताया और देश के विकास में भागीदार बनने का निर्णय लिया है, मुख्य धारा में वापिस आए हैं। पिछले वर्ष त्रिपुरा में भी 80 से अधिक लोग हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौट आए हैं, जिन्होंने यह सोचकर हथियार उठा लिए थे कि हिंसा से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। उनका यह विश्वास दृढ़ हुआ है कि शांति और एकजुटता ही किसी भी विवाद को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है। देशवासियों को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बहुत एक मात्रा में कम हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इस क्षेत्र से जुड़े हरेक मुद्दे को शांति के साथ ईमानदारी से चर्चा करके सुलझाया जा रहा है। देश के किसी भी कोने में अब भी हिंसा और हथियार के बल पर समस्याओं का समाधान खोज रहे लोगों से आज इस गणतंत्र दिवस के पवित्र अवसर पर अपील करता हूं, वे वापस लौट आए, मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में अपनी और इस देश की क्षमताओं पर भरोसा रखें। हम 21वीं सदी में हैं, जो ज्ञान विज्ञान और लोकतंत्र का युग है। क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हिंसा से जीवन बेहतर हुआ हो? क्या आपने ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है जहां शांति और सद्भाव जीवन के लिए मुसीबत बने हो? हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करती। दुनिया की किसी भी समस्या का हल कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं, बल्कि अधिक से अधिक समाधान ढूंढकर ही हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुट जाएं, जहां शांति हर सवाल के जवाब का आधार हो, एकजुटता हर समस्या के समाधान के प्रयास में हो और भाईचारा हर विभाजन और बंटवारे की कोशिश को नाकाम करे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मुझे गगनयान के बारे में बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है। देश उस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ चला है। 2022 में हमारी आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और उस मौके पर हमें गगनयान मिशन के साथ एक भारतवासी को अंतरिक्ष में ले जाने के अपने संकल्प को सिद्ध करना है। गगनयान मिशन 21वीं सदी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगा। नए भारत के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, आपको पता ही होगा, इस मिशन में एस्ट्रोनेट यानी अंतरिक्ष यात्री के लिए 4 उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है। ये चारों युवा भारतीय वायुसेना के पायलट है। ये होनहार युवा भारत के कौशल, प्रतिभा, क्षमता, साहस
और सपनों के प्रतीक है। हमारे ये चारों मित्र अगले कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग के लिए रूस जाने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि यह भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग का एक और सुनहरा अध्याय बनेगा। इन्हें एक साल से अधिक समय तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद देश की आशाओं और आकांक्षाओं की उड़ान को अंतरिक्ष तक ले जाने का दारोमदार इन्हीं में से किसी एक पर होगा। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इन चारों युवाओं और इस मिशन से जुड़े भारत और रूस के वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों को मैं बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले मार्च में एक वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ था। चर्चा यह थी कि कैसे 107 साल की एक बुजुर्ग मां राष्ट्रपति भवन समारोह में प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति जी को आशीर्वाद देती है। ये महिला थी सालूमरदा थिमक्का, जो कर्नाटक में वृक्ष माता के नाम से प्रख्यात है, और वो समारोह था पद्म पुरस्कार का। बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आने वाली थिमक्का के असाधारण योगदान को देश ने जाना, समझा और सम्मान दिया था। उन्हें पद्मश्री सम्मान मिल रहा था। साथियों, आज भारत अपनी इन महान विभूतियों को लेकर गर्व की अनुभूति करता है। जमीन से जुड़े लोगों को सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस करता है। हर वर्ष की भांति कल शाम को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। मेरा आग्रह है कि आप सब इन लोगों के बारे में जरूर पढ़ें, इनके योगदान के बारे में परिवार में चर्चा करें। 2020 के पद्म पुरस्कारों के लिए इस साल 46,000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए। यह संख्या 2014 के मुकाबले 20 गुना से भी अधिक है। ये आंकड़े जन जन के इस विश्वास को दर्शाते हैं कि पद्म अवार्ड अब पीपुल्स अवार्ड बन चुका है। आज पद्म पुरस्कारों की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। पहले जो निर्णय सीमित लोगों के बीच होते थे, वो आज पूरी तरह से पीपल ड्रिवन है। एक प्रकार से कहें तो पद्म पुरस्कारों को लेकर देश में एक नया विश्वास और सम्मान पैदा हुआ है। अब सम्मान पाने वालों में से कई लोग ऐसे होते हैं जो परिश्रम की पराकाष्ठा कर जमीन से उठे हैं। सीमित संसाधन की बाधाओं और अपने आसपास की घनघोर निराशा को तोड़कर आगे बढ़े हैं। दरअसल उनकी मजबूत इच्छा शक्ति, सेवा की भावना और निस्वार्थ भाव हम सभी को प्रेरित करता है। मैं एक बार फिर सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं और आप सभी से उनके बारे में पढ़ने के लिए, अधिक जानकारी जुटाने के लिए विशेष आग्रह करता हूं। उनके जीवन की असाधारण कहानियां समाज को सही मायने में प्रेरित करेंगी। मेरे प्यारे देशवासियों, फिर एक बार गणतंत्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। यह पूरा दशक आपके जीवन में, भारत के जीवन में नए संकल्पों वाला बने, नई सिद्धि वाला बने, और विश्व भारत से जो अपेक्षा करता है उस अपेक्षाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य भारत प्राप्त करके रहे, इसी एक विश्वास के साथ आइए नए दशक की शुरुआत करते हैं। नए संकल्पों के साथ मां भारती के लिए जुट जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।